आज नवरात्र का सातवां दिन है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज मां के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जा रही है। कालरात्रि स्वरूप में मां का स्वरूप जिसकी श्रृंगार भी अलग तरह से किया जाता है, मां का ये रूप मधु कैटब नामक राक्षस के विनाश के तौर पर जाना जाता है। कालरात्रि अपने भक्तों को सदैव शुभ फल प्रदान करने वाली है और इसलिए इन्हें शुभकारी भी कहा जाता है। नवरात्र की सप्तमी तिथि है आज और आज माता कालरात्रि के पूजन अर्चन का विशेष विधान है। सबसे पहले आपको दर्शन कराते हैं माता कालरात्रि के ही स्वरूप माता काली खो के और उत्तर प्रदेश के विंध्याचल धाम की माता काली खो की प्रसिद्धि अपने आप में बहुत निराली है और यहाँ पर जो श्रद्धालु है बड़ी तादाद में दर्शन पूजन करने के लिए देखिए सुबह से ही पहुँच रहे हैं और माता का जो स्वरूप है वो बेहद ही खूबसूरती से अगर बात की जाए तो सजाया गया है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद है, कहाँ से आए हैं आप ये बताइए। बिहार से। बिहार से। कितने सालों से माता के दर्शन करने आ रहे हैं? बहुत साल के बाद। आप कहाँ से आए हैं? हम तो बिहार से गोपालगंज से आए हुए। कैसा लगता है माता के दर्शन करने? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ। जो लोग हैं उनके चेहरे पे माता के दर्शन करने की जो खुशी है वो बेहद ही निराली दिख रही है और उनका ये मानना है कि माता के दर्शन करके उनको एक अलग ही अनुभूति होती है। पंडित जी भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं क्योंकि आज माता काली के पूजन अर्चन का दिन है। माता काली खो की अगर बात की जाए आज किस तरीके से अलग कार्यक्रम यहाँ पे होंगे, क्या कुछ विधान होगा आज के दिन? आज अभी तो सप्तमी है, रात में अष्टमी लग जाएगा और अष्टमी जो है सिद्धिदात्री का दिन होता है, सप्तमी कालरात्रि का जो है, तो सिद्धिदात्री का मतलब है सिद्धि प्राप्त करना जो है, तो सिद्धि प्राप्त करना। देखिए अगर बात की जाए क्योंकि माता कालरात्रि का दिन है तो ऐसे में काली को मंदिर में पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है वो भी विशेष होता है। मिर्जापुर से मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा और कैमरामैन पीयूष कुमार के साथ स्वाति शुक्ला, इंडिया 24/7।